हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के न्यू आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी टाइम से रजिस्ट्रेशन बंद चल रहे थे वेबसाइट पर, लेकिन अब जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। इस स्कीम के तहत आपको सालाना 6000 रुपये जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, अगर आप इस स्कीम के तहत अप्रूवल करा लेते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। तो किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीएम किसान का न्यू आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। इसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक करके सर्च करना होगा पीएम किसान। इतना आप टाइप करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने एक लिंक आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे, pmkisan.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो अगर आप CSC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको CSC लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आपको लॉगिन करके आप CSC के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद का रजिस्ट्रेशन खुद से ही करना चाहते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फार्मर कॉर्नर में आने के बाद, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड, इस पर आपको 2-3 बार लगभग क्लिक करना पड़ेगा, एक बार में ये पेज ओपन नहीं होगा। तो आपको ये सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर क्लिक करने पर। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से किसान हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे 2nd ऑप्शन। तो यहाँ पर हम आधार नंबर एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी स्टेट का नाम शो कर जाएगा। आप अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे कि हम MP या मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड शो कर रहा है कैपिटल और यहाँ पर स्मॉल वर्ड में, तो इसको आप यहाँ पर इंटर करेंगे, जैसा है वैसा ही आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन है, इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आपको इस प्रकार से मैसेज शो कर जाएगा, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले कभी नहीं हुआ है तब आपको एक पेज खुलेगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा फार्मर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर पर स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आप ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना विलेज सिलेक्ट करेंगे, अपना गांव सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको फार्मर का फर्स्ट नाम एंटर करना है और लास्ट नेम, इसी में आपको पूरा नाम लिखना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फार्मर टाइप सिलेक्ट करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ID में। टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको बैंक का IFSC कोड इंटर करना होगा, बैंक नेम, कौन सी बैंक का अकाउंट है, आपको बैंक का नाम इंटर करना है, अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको आधार नंबर इंटर करना होगा, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और एड्रेस यहाँ पर फिल करना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको पिन कोड इंटर करना है अपने एरिया का और यहाँ पर आपको फादर, मदर या फिर हस्बैंड का नाम इंटर करना होगा। यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी होगी, ये आप अपनी ज़मीन की पासबुक से एंटर कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा राशन कार्ड नंबर एंटर करने का, तो आप अपना राशन कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर आप क्लिक करके अपना आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑनरशिप यानी कि ज़मीन के हिस्सेदार, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके फैमिली में और भी आपकी ज़मीन के हिस्सेदार हैं तब आपको जॉइंट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा, इसमें आपको खाता नंबर यानी कि अपनी ज़मीन का जो भी खसरा खतौनी नंबर है वो आप इंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से खसरा नंबर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपका क्षेत्रफल या एरिया इंटर करेंगे, कितना आपका रकबा है वो आप इंटर कर सकते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास जितनी भी ज़मीन है अलग अलग नंबर से आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर आपको लैंड रिकॉर्ड अपलोड करना होगा,
जिसमें आप खसरा की नकल या खतौनी या फिर किताब की पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड कर सकते हैं, जो ज़मीन की पासबुक है। डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करने होंगे। मैक्सिमम फाइल की जो साइज़ है वो 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको आधार कार्ड की पीडीएफ अपलोड करना है और बैंक पासबुक की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगी कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए, कि आपके पास कोई गवर्नमेंट वगैरह जॉब्स तो नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर आप टैक्स पेयर तो नहीं है, तो ये सभी कुछ यहाँ पर आपके लिए डिक्लेरेशन आएंगे। इन्हें आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, आई केयर क्लियरली दैट ऑल द गिवन डिटेल आर करेक्ट, यानी कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। तो इसे आप टिक करने के बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा। अगर आप CSC के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब आपको पेमेंट करना होगा अपनी CSC वॉलेट से, ठीक है। तो पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपके सामने रिसेप्ट जनरेट होकर आ जाएगी, तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप सेव करने के बाद डायरेक्ट अपना प्रिंट ले पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।